नमस्कार, मैं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की 21 प्रमुख खबरें। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया की राजनीति में एंट्री, अब बीजेपी के लिए करेंगे बैटिंग। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कालीचरण बाबा को लेकर कहा सरेंडर करें नहीं तो होगी गिरफ्तारी। 1 जनवरी से बच्चों के कोविड टीके के लिए पंजीयन, 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा टीका। दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। जन प्रतिनिधियों ने मीठा खिलाकर मुख्यमंत्री बघेल को दी नगरीय निकाय चुनाव में मिली जीत की बधाई। कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन के बाद बोले पीएम, डबल इंजन की सरकार पहले हुए नुकसान की भरपाई कर रही है। टीएमसी सांसद डेरेक ओबेरॉन कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। भुवनेश्वर में 3 दिनों तक मां के शव के साथ चिपक कर सोती रही मासूम, शरीर में पड़े कीड़े तो लगी खबर। ओमिक्रोन का दिखने लगा असर, 4 दिनों में 11,500 फ्लाइटें हुई कैंसिल। पीएम का अखिलेश पर तंज, बोले भ्रष्टाचार का इत्र पूरे यूपी में छिड़का और अब मुंह बंद। उदयपुर में पुलिस चौकी में कांस्टेबल ने किया महिला से रेप का प्रयास, खाना बनवाया बर्तन मजवाए। कालीचरण ने अब वीडियो बम फोड़ा, मैं गांधी का विरोधी हूँ, मुझे फांसी भी दे दो तो बात वापस नहीं लूंगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं लगाए जाएंगे कोई प्रतिबंध, कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज का फैसला। वेब सीरीज डिटेक्टिव बुमरा का ट्रेलर रिलीज, रहस्य और रोमांस से सराबोर कर देगी ये दिलचस्प कहानी। आयकर विभाग ने राजस्थान के 2 समूहों की 300 करोड़ की काली कमाई का पता लगाया। तालिबान ने महिलाओं की अकेले यात्रा करने पर लगाई पाबंदी, उर्फी जावेद बोली इनके पतन की दुआ करती हूँ। राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप रांची में 5 और 6 फरवरी को। पंजाब पुलिस पर गीली पैंट वाले बयान पर घिरे सिद्धू, अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बताया मेंटल। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और मौत, 48 साल के शख्स की गई जान। जशपुर में एक छात्र भी संक्रमित, 4 दिन में 25 बच्चे पॉजिटिव। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद। लगातार पैर पसार रहा ओमिक्रॉन, पोंडुचेरी में मिला पहला केस, देश में कुल संख्या हुई 655। ऐसे ही देश विदेश व राज्य से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।